फिटनेस पार्ट है, ये आई थिंक फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ केस। अब हमको इसको करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बाय डायग्राम बनाओ। जब फ्री बाय डायग्राम बनाएंगे, ये कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लेगा, 2G, दैट इज 20 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिटनेस टारगेट क्या होगा, यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा है पहले इसको रिजॉल्व करो, ये ऐसे आ रहा है तो इसको आगे बढ़ा दो, क्या करोगे आगे बढ़ा दो इसको, ऐसे ऐसे, इधर से एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है, जितना एंगल इधर होगा क्या डिक्टो वही एंगल होगा 37, ठीक है, क्लियर, तो क्लियर हो गया। अगर ये 37 है तो ये भी क्या होगा 37 दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट, ये कितना है 10 न्यूटन, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा तो 10 cos 37, 10 × 0.8 दैट इज 8 न्यूटन, इधर की तरफ क्या होगा 10 sin 37 दैट इज 10 × 0.6, ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे पहले इस पर फोकस करो, एक तो किधर लगेगा जब इसको ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो जो इधर लगेगा वो कौन सा है दैट इज 8 न्यूटन, और जो डाउनवर्ड लग रहा है वो कितना है 6 न्यूटन, क्लियर, एक इधर 8 न्यूटन और एक इधर 6 न्यूटन, यहां तो कोई डाउट नहीं कैसे तो कैसे। अब बात करते हैं तो डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो इसका और ये हमने कर दिया, और इनडायरेक्ट ये हो गया, एक और बचा है फ्रिक, सरफेस लगाएगा, दो फोर्स लगाएगा, कौन कौन सा, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और नॉर्मल फोर्स किधर होगा परपेंडिकुलर सरफेस। तो पहला टारगेट क्या होगा N1 निकालना, N1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी 20 + 6 दैट इज 26 न्यूटन, N1 की वैल्यू कितनी हो गई 26 न्यूटन। अब हमारा टारगेट क्या होगा फोर्स देखना, FS की वैल्यू कितनी होगी μS × N1, μS कितना है 3/13 26, ये हो गया 6 न्यूटन। μK × N1 दिस बी इक्वल टू 2/13, ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कैसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ए देखना, ए की वैल्यू हमके लिए हमने क्या बताया था F - F लिख लिया करो ऐसे डिवाइड बाई मास, F की वैल्यू कितनी है 8, F की वैल्यू अब स्मॉल f कितना होगा, तो F के लिए पहले चेक किस पे करते हैं FS, ये कितना है 8 न्यूटन, ठीक है, और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, ये 3/13 है और तो ये कितना है 6 है। अब ये बताइए जो 6 है वो 8 न्यूटन से ज़्यादा है कम है, नॉर्मल से बात है कम है, तो इसका मतलब ये अलाउ करेगा मोशन को, तो जब अलाउ करेगा मोशन, जब ड्यूरिंग मोशन होगा तो उस समय एफ के कितना है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये वाला एफ के कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड बाई मास कितना है 2, तो 8 - 4 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये ब्लॉक कितने से मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और यहाँ पे जो लगेगा एफ वो होगा एफ के, ठीक है। तो एफ के की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे लिखोगे एफ के, एफ के दिस इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 4, ठीक है, 4 न्यूटन। तो कौन सा उसमें फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बना लो इसको।